मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फिजिक्स, लेसन फोर्थ, थर्स्ट एंड प्रेशर। तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके विद एनसीईआरटी क्वेश्चन। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ, थर्स्ट एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस थर्स्ट। तो देखो थर्स्ट क्या होता है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, प्रेशर। कैसे पढ़ा है, सॉरी इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते थे, पुश या पुल करते थे, दैट इज फोर्स। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, देखो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। लेकिन एक कंडीशन, वो फोर्स कौन सी, कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। थर्स्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, वो उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इज कॉल्ड थर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्या लिया, एक सरफेस। इस सरफेस पे कोई है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सोलिड की बात कर रहे हैं हम। ये सरफेस लिया और इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, कैसे फोर्स लग रही इस ऑब्जेक्ट पे, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, थर्स्ट। अब हम एक लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने लिक्विड में, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर, यहाँ तक एक लिक्विड कंटेनर जो फिल है, इसके अंदर मैंने रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके अंदर क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, और इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हर साइड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और किसकी वजह से लग रहा है फोर्स, इस लिक्विड की वजह से। और इस लिक्विड की वजह से ही कंटेनर पे भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्या है, थर्स्ट। यानी थर्स्ट क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इज कॉल्ड थर्स्ट। थर्स्ट क्या है, एक टाइप से फोर्स ही है। हमने पढ़ा था फोर्स किसके इक्वल था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटी की बात चल रही है तो फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू जी। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात आती है इसकी यूनिट की, फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन। तो थर्स्ट भी क्या, एक टाइप से फोर्स ही है, सिर्फ क्या चेंज है इसमें, डायरेक्शन का ही चेंज है, बाकी तो सेम एज इट इज है। तो यूनिट इसकी भी क्या जाएगी, न्यूटन। तो थर्स्ट की यूनिट क्या हुई, न्यूटन। समझ आया थर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रेशर क्या है। ये हम सारी चीजें, प्रेशर, थर्स्ट, फोर्स, एट क्लास में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था हमने। तो एक बार देखो, थर्स्ट में क्या आता है, जो फ्लूड थे हमने पढ़ा था एट में, फ्लूड क्या था, फ्लूड जो कोई फ्लो हो सकता है, इसके अंदर मेनली हम लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं, और उन नाम को दिया जाता है, उसको जो फोर्स लगता है लिक्विड और गैसेस में, उसको क्या बोलते हैं, थर्स्ट। अब नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर पी से। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, उसका प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर कैसे है इसके, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा फोर्स होएगा प्रेशर उसका उतना ही ज्यादा होएगा। एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, उसका कम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया नाइफ का। देखो एग्जांपल से ऐसे से क्लियर होएगा, हम नाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक चाकू लिया, हम क्या करते हैं, उस चाकू को चाकू वाले के पास लेके जाते हैं उसकी तेज धार करवाने के लिए, ठीक है। उसको नुकीला करवाने के लिए हम क्या, कहाँ जाते हैं, उसके चाकू वाले के पास जाते हैं। तो वो क्या करता है, उस चाकू का जो आगे से एरिया है, सरफेस एरिया, सिर्फ उसको क्या करता है, तेज, सिर्फ उसको तेज करता है। ये तो है ना कि पूरे को, सिर्फ उस चाकू के जो नोक है उसके इतना से सरफेस एरिया को क्या करता है, वो तेज कर देता है। अब उसका एरिया तो क्या है, कम एरिया, आगे से क्या हुआ, उसका कम एरिया हुआ। अब हम अपने हाथ से, हमें मान लो सब्जी काटनी है, कुछ भी काटनी है, तो हम अपने हाथ से उस पर क्या देते हैं, फोर्स देते हैं। एरिया क्या था, कम, उतने ही एरिया में हम उतना ही क्या देते हैं, वहाँ पे फोर्स देते हैं, उतना ही एरिया में हमने उतना ही क्या दिया, फोर्स। लेकिन प्रेशर वहाँ पे क्या जाएगा, ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसका एरिया क्या था, कम था, ठीक है। ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
नेल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने नेल का लिया, तुमने देखा होगा ये जो कील होती है हम क्या करते हैं दीवार में लगाते हैं, दीवार में हम नेल को लगाते हैं, तो क्या है उसका सरफेस एरिया नेल का आगे से सरफेस एरिया क्या है, बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, उतने ही एरिया में हम उतना ही फोर्स लगाएंगे सेम, बट प्रेशर क्या होगा उस पर ज़्यादा। अब हम दीवार में लगा रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाया, एरिया कम था फोर्स, ठीक है हम उस पर दीवार पर लगा देंगे इजिली चला जाएगा, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा, एरिया क्या है उसका कम लेकिन उसका प्रेशर क्या होगा ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं मार्कर की, इस मार्कर का एरिया क्या है उस नेल से तो ज़्यादा ही है, अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं और मार्कर को हमने दीवार में लगाना है तो इस पर क्या लगेगा, ये तो मुश्किल से जाएगा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है ज़्यादा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल बैग का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एक स्कूल बैग का। स्कूल बैग का तुमने देखा होगा स्कूल में जब तुम आते हो तो दो टाइप से बैग मोस्टली यूज ही करते हैं, एक होती है वाइड स्ट्रिप वाला बैग, ठीक है वाइड, तुम क्या करते हो स्कूल में आते हो बैग लेते हो, बैग लगाया तुमने, उसमें क्या है कुछ बुक्स का मास है, कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या क्या तुमने स्कूल बैग दो टाइप से। अब तुमने वाइड स्ट्रिप वाला बैग लिया, ठीक है वाइड स्ट्रिप है, स्ट्रिप वाइड है, तो देखो इतनी स्ट्रिप है उसकी वाइड, तो उसका एरिया क्या है ज़्यादा है, एक वाइड है और एक जो पतली स्ट्रिप आती है बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप आती है डोरी सी, ठीक है एक वाइड है, इसका एरिया क्या है ज़्यादा, इसका एरिया क्या है कम। अब तुमने वाइड स्ट्रिप वाला बैग लिया है, एरिया उसका ज़्यादा है, तो तुम्हें उसका प्रेशर क्या लगेगा कम, तुम्हें कम हैवी लगेगा ना वो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एरिया ज़्यादा है, उसने ज़्यादा बुक कवर कर ली, तो एरिया इसका ज़्यादा है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब हम पतली स्लीव वाले बैग की बात करते हैं, तो जो पतली स्लीव वाला बैग है इसका एरिया तो क्या है कम है, एरिया कम है, तो तुमने देखा होगा अगर तुम इसके अंदर ज़्यादा मास ज़्यादा ऑब्जेक्ट डाले तो मान लो बुक ज़्यादा डाली तो तुम्हें ये चुभने लग जाता है साइड से, क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा कम है लेकिन उसका प्रेशर क्या है ज़्यादा, ठीक है तो समझ आया प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है दैट इज प्रेशर, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है उस ज़्यादा एरिया पे उतना ही फोर्स लग रहा है तो प्रेशर उसका क्या होगा कम होगा, ठीक है यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली और ये दोनों एक दूसरे के क्या है डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट है इसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट प्रेशर की क्या है, अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर, तो प्रेशर की क्या आएगी न्यूटन, ये ऊपर जाएगा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है प्रेशर की यूनिट क्या आई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पास्कल, ठीक है दोनों में से कौन सी भी पास्कल भी हो सकती है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ये वैसे हम 8th में बहुत अच्छे से हमने किया था, ठीक है दोबारा से फिर आज करवा दिया, क्या है थ्रस्ट और प्रेशर, क्या था थ्रस्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो था थ्रस्ट, प्रेशर क्या था और थ्रस्ट की यूनिट क्या है जो फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, तो थ्रस्ट की यूनिट भी क्या है न्यूटन, क्यों क्योंकि थ्रस्ट भी एक टाइप से क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, सिर्फ कंडीशन क्या है इसमें कि डायरेक्शन कैसे इसकी परपेंडिकुलर, प्रेशर क्या था फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है कि एक एरिया में कितना फोर्स लग रहा है ये क्या था प्रेशर, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, यहाँ तक अच्छे से अपने नोटबुक में इनको राइट कर लेना और लर्न, ओके।